हेलो फ्रेंड्स, पेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से 25 क्वेश्चन जो कि जीके के हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आया हूँ, खासकर एसएससी एमटीएस और ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर एक, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, भोजक, ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ये आपका आरआरबी 2005 MPPSC 2003 में पूछा गया है। इसका आंसर है ए, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, नंदवंश का संस्थापक कौन था? RRB 2004 UKPSC 2017 में पूछा गया है। आपका आंसर है ए, महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर ए, 326 ईसा पूर्व में। एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है आपका। आंसर है आपका सी, गिरिब्रज राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2002, 2003, 2004, बीपीएससी 2005, सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी में पूछा जा सकता है। आंसर है आपका ए, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, किस शासक ने पौधों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपका एसएससी 2002, सीजीपीएससी 2012, यूपीपीसीएससी 2015, 2016 में पूछा गया है। इसका आंसर है आपका डी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2002 में पूछा गया है। आंसर है बी, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस वर्ष किस भाषा में की गई थी? एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर है सी, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? एसएससी 2002 में पूछा गया है। इसका आंसर बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सांची क्यों विख्यात है?
एसएससी 2002 में पूछा गया है? आंसर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपका ये एसएससी 2000 में, आरआरबी 2004, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका बी, यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की माता कौन थी? एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, त्रिशला। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पुराने पढ़ोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है, जितना हो सके पुराने क्वेश्चंस पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? एसएससी 1999 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका सी, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 16, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? यह आपका एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि रिपीट हो सकते हैं एसएससी 2023 के एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। इसका आंसर है सी, पाली। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बीपीएससी में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, पापापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ए, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में। इसका आंसर है ए, बौद्ध धर्म। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की उपदेश किसकी शासनकाल में दिए गए थे? आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यह क्वेश्चन आरआरबी 2003, 2004, जेपीएससी 2013, बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यह आपका क्वेश्चन आरआरबी 2003, 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बोधगया स्थित है? आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जातक किसका ग्रंथ है? आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका सी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? इसका ये आपका आरआरबी 2005, बीपीएससी, एमपीपीसीएससी, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। मैं आपके लिए कल फिर से जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खासकर आपके एसएससी एमटीएस के लिए, जो कि आपका नज़दीकी एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर में।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।